हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर गुड बिहेवियर। इट लुक्स लाइक अ फैमिली, माय प्लेजर। आज की इस रीडिंग को आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देखें जिनसे आपको प्यार है, बट साथ साथ डाउट भी है कि कहीं कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है आपसे, उनकी ओर से। पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर बिलवड फ्रेंड हो सकते हैं, एनी वन होम यू लव, जिनसे भी आपको प्यार है। तो ऐसे पर्सन पर आप कॉन्सेंट्रेट करें। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या कुछ छुपा रहे हैं। इफ़ यस तो पता करेंगे क्या छुपा रहे हैं एंड क्यों छुपा रहे हैं एंड कब तक कॉन्फेस कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पर्सन को अपने माइंड में रखें। उनका इमेज अगर आपके माइंड में होगा तो ज़्यादा अच्छा आप कनेक्ट कर सकेंगे उनके साथ। कॉन्सेंट्रेट ऑन देम। नाइन ऑफ वेंट्स है बॉटम ऑफ द डेक में, जो कि बताता है डरे हुए तो हैं, डरे हुए हैं सोशल लेवल पर, अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या फिर सोसाइटी से डर है किसी तरह का। आपके पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। थ्री ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ऑफकोर्स कुछ छुपा रहे हैं। टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कप्स। ओके, सो आपके पर्सन इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, और जिस भी फैमिली या जिस भी कम्युनिटी में हैं, यहाँ पर कुछ डार्कनेस है, हैप्पीनेस की कमी है। एक्चुअली इट लुक्स लाइक कि ऑलरेडी मैरिड हैं, रिसेंट पास्ट टेन ऑफ कप्स बताता है, एक हैप्पी फैमिली में हैं। इवन इफ सिंगल, अगर सिंगल भी हैं तो जिस भी फैमिली में हैं वहाँ किसी तरह की डार्कनेस या नेगेटिविटी है या फिर कुछ कमी है आपके पर्सन की लाइफ में। और इस पर्सन के कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं जो कि एज एन ऑब्स्टिकल आए हैं। इट मीन्स आपके साथ अगर कोई डिस्टर्बेंस चल रहा है आपके पार्टनर का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नाइन ऑफ कप्स, बिकॉज ये एज एन ऑब्स्टेकल आया है। एडिक्शंस हो सकते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, वर्ल्डली एडिक्शंस, फ्रेंडशिप, पार्टीज एंड ऑल। सबकॉन्शियस माइंड में इस पर्सन के टेम्परेंस है। टेम्परेंस में आप देख सकते हैं कि दोनों कप, आप और आपके पर्सन दोनों के बीच इमोशनल बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ एडिक्शंस नहीं हो रहा है। और ये पर्सन अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली हार्डवर्क भी कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो प्रेजेंट स्टेट है आपके पर्सन का, दैट इज़ थ्री ऑफ कॉइंस, जो कि बताता है जिस भी कम्युनिटी में हैं किसी तरह की कुछ कमी है, और इसी कमी को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ना भी चाहते हैं। इट मीन्स सेटिस्फाइड भी नहीं है एट प्रेजेंट। यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सन। ये पर्सन आपसे अपना प्लान छुपा रहे हैं। दिस पर्सन हैज सम प्लान, इनका कुछ प्लान है, कुछ डिसीजन है जिसे ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वही आपसे इस वक्त हाइड कर रहे हैं। सिक्स ऑफ स्पेड्स है यहाँ पर, जो कि फिर से ये बताता है ये पर्सन हैप्पीनेस में नहीं है और जिस भी सिचुएशन में है वहाँ से निकलना चाहते हैं। इमीडिएट फ्यूचर भी इनका एट ऑफ कप्स है, जो कि यही बताता है ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और
प्रोमिनेंटली ये पर्सन जो आपसे छुपा रहे हैं दैट इज जैक ऑफ स्पेड्स, जैक ऑफ डायमंड। इट मीन्स अपनी लाइफ में लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं नाइन ऑफ कप्स इस पर्सन के लिए एज एन ऑब्स्टिकल आया है। इट मीन्स इनके कुछ एडिक्शंस हैं और इसी एडिक्शंस की वजह से आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ ब्रेक आपने देखा होगा और ये उसी को लेकर के अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं और डिसीजन ऑलरेडी लिया हुआ है, बस उसे इम्प्लीमेंट करने ही वाले हैं। हीलर ऑफ द एजेस भी यही बताते हैं कि ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है, फॉल्स अटैचमेंट छुपा रहे हैं आपसे। फॉल्स अटैचमेंट छुपाने का मीनिंग है थर्ड पार्टी में अगर है थ्री ऑफ कॉइंस तो वहाँ जो झूठा मुखौटा है उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और साथ साथ आपसे अगर नो कॉन्टेक्ट है तो आपकी वैल्यूज़ को समझ पा रहे हैं आपकी एब्सेंस में। सो यही सब कुछ छुपा रहे हैं आपसे। डोर टू रोमांस भी है यहाँ पर आपके लिए, ये पर्सन फीलिंग्स रखते हैं। यस, आपको वॉच करते हैं, आप पर वॉचफुल हैं, आप पर नजरें बनाए हुए हैं। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो सकेगा, किसी तरह का डार्कनेस भी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में देखा है। यहाँ रिसेंट पास्ट में 10 नंबर है। एक हैप्पी फैमिली जो होना चाहिए या हैप्पी फैमिली का जो विज़न था इस पर्सन का वो किसी तरह से डार्कनेस में आ चुका था और ये पर्सन इन सब सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर मूव ऑन करने वाली एनर्जीज ज़्यादा नज़र आई हैं। एट ऑफ कप्स बताता है जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं, वॉचफुल हैं आप पर और इन सब करंट सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर, इट मीन्स एक न्यू बिगिनिंग रोमांटिकली करना चाहते हैं। बट इस सब के पीछे जो एक्शन नहीं हो पा रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ नाइन ऑफ वैंड्स। सोसाइटी का डर हो सकता है आपके पर्सन को, आपके पर्सन की आइडेंटिफिकेशंस। नंबर 3, 1, 8, 6 इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल्स CGLS FPAIJQY UVW हो सकते हैं। सो ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से जहाँ भी हैं और आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। लेट्स क्वालिफाई कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स जो है व्हाट डज इट वांट टू से, क्या बताना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं मूव ऑन कर। मैजिशियन एंड द मिरर द थिंकिंग वुमन वॉकिंग अवे। मैजिशियन एंड द मिरर फिर से वही बताते हैं। ये पर्सन महसूस करते हैं कि समबडी इज़ मैनिफेस्टिंग देम और ये भी किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का यहाँ पर मीनिंग प्रॉपर प्रोटोकॉल से नहीं है। मैनिफेस्टेशन नहीं भी आता है तो जिस भी पर्सन की याद इन्हें आती है उसकी ओर ही बढ़ना चाहते हैं। द थिंकिंग वुमेन है क्वालिफिकेशन में। ऑल राइट, दिस इज़ गुड, सब कुछ अच्छा ही है जो भी छुपाया जा रहा है। ये पर्सन अपने एडिक्शंस को दूर करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, आपकी वैल्यूज़ को जान पा रहे हैं जहाँ भी हैं, फॉल्स अटैचमेंट को समझ पा रहे हैं और आपके साथ एक बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेट्स सीक वन एंजल्स गाइडेंस इन दिस केस। सेजिटेरियस एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन साइन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ आए हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं वो पर्सन जिनकी ओर आपके पर्सन स्टेप लेना चाहते हैं। एंजल्स ने आपके लिए बोला है डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है,
नो और यस दोनों आंसर हैं यहाँ पर। सो आपको रुकना नहीं है, आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर।